हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरी फुल डाइट ड्यूरिंग इंटरमीडियन फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन जैसा कि उस वीडियो में मैं बता चुकी हूं, कोई वो मैटर करता है और इस वीडियो के बाद से ही आप जानना चाह रहे थे की मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग में क्या पर्टिकुलर डाइट फॉलो करती हूँ तो सिक्सटीन आवर्स का पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ और सिक्सटीन आवर्स की फास्टिंग में आप सॉलिड कुछ नहीं खा सकते लेमन ग्रीन टी ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या फिर ग्रीन हर्बल जूसेस ले सकते हैं जिनमें मीठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या खा रहे हैं इट्स अबाउट कि आप कब खा रहे हैं तो घर में जो भी खाना बनता है वो मैं सब खाती हूँ लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखती हूँ कि घर में जो भी बने वो बैलेंस्ड हो ताकि काब्स प्रोटीन हेल्दी फैट्स फाइबर और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अमाउंट में मिलें सो अर्ली मॉर्निंग स्टफ़ी को वॉक पर लेके जाने से पहले सबसे पहला काम होता है डी ड्रिंक पीने का एज़ यू ऑल नो लेमन वाटर से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है और मोस्टली आई प्रेफर वाटर विद लेमन ओनली नथिंग एल्स बट कई बार उसमें चिया सीड्स दालचीनी या एलोवेरा भी ऐड कर लेती हूँ या कई बार पिंक रॉक सॉल्ट ऐड करना पसंद करती हूँ तो स्वीटनर्स इन लेमन वाटर रॉक सॉल्ट आपके मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी दोनों को ही बूस्ट करता है और डिजेशन भी इम्प्रूव करता है सो यू कैन एड लिटल अमाउंट ऑफ रॉक सॉल्ट इन लेमन वाटर सेकेंड थिंग जो ऑल्टरनेट डेज पे ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड में कंज्यूम करती हूँ वो है ब्लैक कॉफ़ी जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि वीक में तीन दिन में योग करती हूँ और तीन दिन अपना वर्कआउट सो so, जिस दिन मुझे वर्कआउट करना है उस दिन टू बूस्ट माई एनर्जी वर्कआउट से पंद्रह मिनट पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ इससे मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हूँ और अपने वर्कआउट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ क्योंकि वर्कआउट से भी तकरीबन चार घंटे बाद मैं अपना ईटिंग विंडो शुरू करती हूँ और उसी दौरान मुझे घर की कुछ कुकिंग जैसी चीजें भी करनी होती हैं। तो कॉफ़ी की वजह से फिर मैं लो फील नहीं करती। बट जिस दिन योग करती है तो अपना फास्ट ब्रेक करती हूँ मैं एक फ्रूट से अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं अगर इंटेंस वर्कआउट किया है तो इसी फ्रूट को थोड़ा सा कर्ड और वे प्रोटीन के साथ ग्राइंड करके स्मूदी बना लेती हूँ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपनी डाइट में प्रोटीन का खास ख्याल रखें स्पेशली बढ़ती एज में आपके मसल्स स्टिफ रहें उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और साथ ही फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी अगर आपकी ईटिंग विंडो 10 या 11 बजे ओपन होती है तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं तो लंच फिर लाइट रखें मेरी ईटिंग विंडो 12 बजे शुरू होती है तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ और मुझे डायरेक्ट लंच पे ही जंप करना पड़ता है जिस दिन स्मूदी ली है उस दिन हाफ एन आवर के गैप में मैं अपना लंच ले लेती हूँ अगर सिर्फ फ्रूट ही खाया है तो बारह दस या बारह पंद्रह तक मेरा लंच शुरू हो जाता है लंच में मोस्टली दाल राइस कर्ड और सैलड होता है इसकी क्वान्टिटी एक सर्विंग स्पून ही होनी चाहिए अगर रोटी है तो बस एक रोटी दाल से आपको प्रोटीन मिलता है और साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स भी तो रोटी और राइस की क्वांटिटी बढ़ा के कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं कोई ना कोई वेजिटेबल भी साथ हो इसका मैं खास ख्याल रखती हूँ अगर कुछ लेफ़्ट ओवर वेजिज़ पड़ी हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत ही कम टाइम में वेजिज़ को सोटे करके अपनी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है कुछ नहीं हो तो इस तरह से पालक प्यूरी मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ सिंपल जीरा गार्लिक और अनियन वगैरह के साथ इसे ऐड करके बहुत ही हेल्दी एंड क्विक ग्रीन्स को आप अपनी प्लेट में ऐड कर सकते हैं सिंपल जीरा गार्लिक और सॉल्ट के साथ भी पालक बहुत टेस्टी बनता है और एक कटोरी फुल पालक में सिर्फ ट्वेंटी फाइव कैलोरीज होती हैं तो अभी आपने देखा कि जब मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं कर रही थी तब भी मेरा खाना इसी तरह का होता था लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि खाने का टाइम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है मतलब आपको जो भी खाना है वो उस टाइम लिमिट के अंदर ही खाना है उसके बाद तीन साढ़े तीन बजे मुझे थोड़ी सी भूख फील होती है और उस वक्त मैं अपने रूम में ही मी टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ इस तरह के कुछ हेल्दी स्नैक्स मैं अपने साइड टेबल में रखती हूँ ताकि भूख लगने में थोड़ी मंचिंग की जा सके लेकिन ज़्यादा नहीं इसे भी वन और टू हैंडफुल ही ले सकते हैं जब मैं ब्रेकफास्ट भी करती थी तो ये सब मेरे इवनिंग स्नैक्स में शामिल रहता था तब मैं टी स्नैक्स में सिर्फ पीनट्स मखाना चना वगैरह ही प्रेफर करती थी लेकिन अब क्योंकि 12 बजे लंच किया तो इवनिंग टी तक थोड़ी भूख भी लग जाती है और डिनर तक काफी तेज भूख लग जाए और हम ओवर ईटिंग करें उसे अवॉइड करने के लिए टी के साथ कुछ स्नैक्स लेना जरूरी हो जाता है जैसे कि बेसन का चीला मूंग दाल चीला पोहा उपमा वन स्लाइस ब्रेड विथ वन एग वन स्लाइस ब्रेड विथ पीनट बटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चीजें पहले मेरे ब्रेकफास्ट में रहती थी लेकिन अब इनकी सेटिंग इवनिंग स्नैक्स में हो गई है अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग में ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आप यही सब ब्रेकफास्ट में भी ले सकते फिर आपको इवनिंग स्नैक लाइट रखना होगा लेकिन ब्रेकफास्ट में इनकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में अगर दो या तीन चीला ले रहे हैं तो इवनिंग स्नैक में आपको एक ही चीला काफी है आठ बजे तक मुझे अपना डिनर फिनिश करना होता है तो वही रोटी सब्जी या दाल जैसे दाल के साथ कभी एग भुर्जी ले लेती हूँ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन फ़िश आर वेरी गुड ऑप्शन अगर इवनिंग स्नैक कुछ हैवी हो गया है तो डिनर में फिर मैं चपाती बिल्कुल स्किप करती हूँ और कई बार सिर्फ ओट में लेना ही प्रेफ़र करती हूँ सो इंटरमीडियन फास्टिंग हो या फिर रुजता द डाइट पैटर्न इतने सालों में मैंने एक चीज़ सीखी है कि लिसन टू योर स्टमक जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी एनर्जेटिक एंड एक्टिव रहेगी हमारी बॉडी ही हमारी हेल्थ टीचर है ईच एंड एवरी टाइम वो हमें बता देती है कि हमने कब क्या गलत खाया है और नेक्स्ट टाइम हम क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए जरूरत है तो बस उसकी बात सुनने और समझने की डिनर से एक घंटे बाद टाइम आता है ग्रीन टी का नौ बजे के अराउंड हम लोग ग्रीन टी पी लेते हैं जैसमिन अपने पापा के ऑफिस का ही कुछ काम कर रही है और हम तीनों जन ही रात को ग्रीन टी पीते हैं इस वीडियो में मैंने रेसिपीज शेयर नहीं की लेकिन इनमें से कुछ रेसिपीज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड स्टे